Hey guys, my name is Aditya and welcome back to another video. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 6 ऐसे टिप्स के बारे में जो आप अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप एक एडवांस, आप एंड्रॉयड को जानते हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, फिर भी आप इस टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम ऑलमोस्ट 7 ईयर से एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे काम कर रही है। हमने 200 से ज़्यादा एप्स को बनाया है और उसी के बेसिस पर आज मैं आपको ये 6 टिप्स देने वाला हूँ। सो गाइज, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इन टू इट। सबसे पहली टिप है लर्निंग टू मच ऑफ जावा। मैंने देखा है जो भी बिगनर्स होते हैं, जो भी एंड्रॉयड सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैंने देखा है वो जावा को बहुत ज़्यादा सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि मुझे जावा को सीखना है, जावा को सीखना है, और जावा में एडवांस एडवांस टॉपिक सीख रहे होते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है तो जावा आनी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जावा में हम लूप्स कैसे लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए और थोड़ा बहुत कलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको जावा में इतना पता है तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे मूव हो सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा टाइम जावा पर वेस्ट मत कीजिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, देखिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखा है। ये जो लर्निंग का तरीका है, पहले जो एक ओल्ड तरीका हुआ करता था कि पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ते थे, किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं तो हम उसकी पूरी थ्योरी पढ़ा करते थे, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल करने जाते थे। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज हैं जो सही नहीं है। आप पूरा बैठ के पढ़ते हो, फिर उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और इससे आपका जो लर्निंग भी है वो भी उसमें इंटरेस्ट भी कम आता है, प्लस लर्निंग भी स्लो होती है। अभी जो नया तरीका है मैं वो जो फॉलो करता हूँ वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना। अगर आप किसी भी एंड्रॉयड ऐप पे काम कर रहे हो, एंड्रॉयड सीखना चाहते हो, तो मैं आपसे ये कहूँगा आप 1 या 2 दिन स्टार्टिंग में सिर्फ थ्योरी को दीजिए, उसके बाद आप एक छोटी छोटी ऐप्स बनाइए। उसमें मैं छोटी छोटी ऐप्स का मतलब से आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना लीजिए, जिसमें आपको, अगर आप एक सिंपल कैलकुलेटर ऐप भी बनाते हैं तो आप ही सीख सकते हैं उसमें रिलेटिव लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, बटन्स कैसे रखते हैं, एडिट टेक्स्ट कैसे रखते हैं, इवेंट्स कैसे होते हैं एंड्रॉयड में। तो आप ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट, एक ये ऐप ही है ना, इस ऐप पे जब आप काम करेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे और इस तरीके से आप अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि आप एडिट टेक्स्ट सीखने बैठ गए, फिर आप बटन सीख रहे हैं, फिर आप लिस्ट व्यू सीख रहे हैं, एक एक चीज़ को सीख रहे हैं, ऐसे नहीं। आप छोटी छोटी ऐप बनाइए और उन ऐप्स में उन कंपोनेंट्स को यूज़ कीजिए। इससे आपको एंड्रॉयड सीखने में इंटरेस्ट भी आएगा, साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि हाँ आपने कोई एक ऐप बनाई है। तो हमेशा याद रखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कीजिए एंड्रॉयड में। स्टार्ट यूजिंग लाइब्रेरीज। ये मैं अपने टोटली एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ। इनिशियल डेज में मैं लाइब्रेरीज़ को, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती थी, उसको मैं अपनी ऐप में यूज़ करना पसंद नहीं करता था। मैं सोचता था कि जब लेटर मुझे कुछ चेंज करना होगा लाइब्रेरी में तो मुझे कोड समझने में दिक्कत होगी, तो मैं उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ नहीं करता था। पर मैं टोटली गलत था। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी प्री डेवलप्ड है, बनी हुई हैं, वेल स्टेबल हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप उनकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ कीजिए ही कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पेजर होता है, आपने देखा होगा व्यू पेजर इंडिकेटर, जिसमें आप पेज को स्वाइप करते हैं तो डॉट 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 होते हैं। अगर आपको उसको बनाना हो तो हाफ डे में आप उसको बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, उसकी इतनी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, आप उन लाइब्रेरी को सिर्फ 5 मिनट में यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, आपको वो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, आप लाइब्रेरीज को यूज़ करना चालू कीजिए। पर इसके साथ साथ मैंने कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम देखी है, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि लाइब्रेरी यूज़ करो, तो वो हर चीज़ के लिए ही लाइब्रेरी यूज़ करना चालू कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी यूज़ भी नहीं करनी, लाइब्रेरी यूज़ करनी है जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी, आप वो यूज़ कर लीजिए। लेकिन हर चीज़ के लिए लाइब्रेरी सर्च करना कि कुछ मिल जाए फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे, खुद से कोड लिखना ही नहीं चाहते, वो हैबिट मत बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से लाइब्रेरी पर डिपेंडेंट मत होइए। स्टार्ट यूजिंग रियल डिवाइसेस। मैंने देखा है एक एक साल, दो दो साल एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं, वो अपनी ऐप को डेवलप इम्यूलेटर पर ही करते हैं।
वेल सबसे पहले आप एक चीज समझ जाइए, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी ऐप लोग पसंद करें और मार्केट में लोग उनको डाउनलोड करें, तो सबसे पहले अपनी ऐप को इम्यूलेटर पे बनाना बंद कर दीजिए। आप अपनी ऐप को रियल डिवाइस पे बनाइए। हम सभी के पास आज एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उस एंड्रॉयड फ़ोन पर उस ऐप को चलाइए और उसमें देखिए क्या क्या बग मिलते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। आप जितना पॉसिबल हो सकता है आप अपनी फैमिलीज़ के, फ्रेंड्स के, जितने भी फ़ोन हो सकते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कीजिए। आप जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा उस ऐप में बग्स मिलेंगे और आप उनको फिक्स करेंगे। याद रखिए, आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स आपके ऐप को यूज़ करें तो आपको पहले उस ऐप को खुद ही यूज़ करना होगा और खुद यूज़ करने के लिए उसको रियल डिवाइस पे चलाना ही होगा। सो प्लीज़, अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो रियल डिवाइस पे ही अपनी ऐप को डेवलप करें। डोंट ट्राई टू मास्टर इन इनिशियल डेज। वेल, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने गलती की थी। जब भी मैं ये स्पेशली मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ बिटमैप के केस में। देखिए, बिटमैप एक ऐसा टॉपिक है एंड्रॉयड में जिसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा फेस होंगी। जब आप लिस्ट में बहुत सारी इमेजेस को लोड करेंगे तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शंस आएंगे आपके, या फिर आप बिटमैप आपकी ऐप में बिटमैप तो यूज़ होता ही होता है कहीं ना कहीं, तो बिटमैप का जो प्रोसेस है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का, वो आप अगर ये चाहते हो कि आप एक ही बार में सीख जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक ऐप बनाइए, उसमें देखिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या गलती आ रही हैं। जब आप कोई नई ऐप बनाएंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तब आप समझेंगे ओके, मैं अपनी पुरानी ऐप में भी इस चीज़ को कर सकता था जिससे ये और अच्छी हो सकती थी। वेल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम देखते हैं अपने स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते थे तो क्या होता था, हमने उस चैप्टर को समझा और पढ़ा तो हमें समझ में आ जाता था, लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम टाइम पे उसको रिवाइज करने के लिए जाते थे तो हमें कई ऐसी चीज़ें होती थी जो हमने फर्स्ट टाइम रीडिंग की होती थी हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती, लेकिन जब हम उसको सेकेंड टाइम रिवाइज करते थे तो बहुत क्लियर हो जाती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही लर्निंग होती है एंड्रॉयड में भी। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और आप सोच रहे हो कि पहली बार में ही मास्टर कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप याद रखिए, स्लोली स्लोली जैसे जैसे आपकी नॉलेज ब्रॉड होती चली जाएगी उस एरिया में, आपको चीज़ें बहुत जल्दी आप कैच करने लगोगे एंड्रॉयड में और बहुत आसान होगा। लर्न डीबगिंग। मैंने कई ऐसे डेवलपर्स देखे हैं जिनको एक साल एक्सपीरियंस है, दो साल एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने कभी भी डीबगिंग को यूज़ नहीं करते। वो डीबगिंग कैसे करते हैं, वो लॉग लगाते हैं और फिर अपनी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में डीबगिंग करके एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप रन टाइम पे किसी वेरिएबल में या किसी लिस्ट में क्या वैल्यू आ रही है आप वो देख सकते हो। आप रन टाइम पे चाहें तो उसी वक्त अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो डीबगिंग को यूज़ करके। तो अगर आप डीबगिंग यूज़ करते हो तो आप अपने कोड में कोई बग है तो उसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हो, प्लस आप अपने लॉजिक को फास्ट डेवलप भी कर सकते हो। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में डीबगिंग को यूज़ नहीं करते हैं तो आज से ही डीबगिंग यूज़ करना चालू कर दीजिए। सो गाइस, ये थे मेरे अकॉर्डिंग 6 पॉइंट्स जो आप अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन पॉइंट्स को यूज़ करोगे तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से सीख सकते हो, प्लस ये इफ़ेक्टिव भी हैं क्योंकि मैंने ये खुद अप्लाई करके देखे हैं। गाइस, दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।